हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हेयर सॉल्यूशन पे। मेरा नाम है सौरभ वर्मा और मैं हर बार की तरह इस बार फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था, डे आज 13 है, कल 12th डे था हमारा हेयर स्टाइलिंग कोर्स का। अभी हम सिखा रहे हैं कर्ल्स। कल हमने किए थे टोंग कर्ल्स, आज हम करने वाले हैं आयरन कर्ल्स। तो सब लोग रेडी हैं तो मैं इस पर टिक कर देता हूं। जैसे ही हमारे आयरन कर्ल्स कंप्लीट हो जाएंगे आप बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ओके, तो सीधा हम चलते हैं डमी के ऊपर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज मैं करके दिखाने वाला हूं आप लोगों को आयरन से कर्ल्स कैसे करते हैं। मेरे पास जो आयरन है वो है 1 इंच की, GHD ब्रांड है इसका, और इसको ऑन कर लूँगा और वेट करेंगे। जैसे गर्म हो जाती तो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास डमी है, डमी में मैं आपको आयरन कर्ल्स करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं छोटे छोटे सेक्शन लेके आप लोगों को आयरन कर्ल्स करके दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास स्ट्रेट बाल हैं, मैं थोड़ा सा इसमें बैक कॉम कर लूँगा, ओके, ताकि हमें थोड़ा बाउंस मिल जाए बालों के अंदर, और फिर स्प्रे कर दूंगा। ओके, बाकी के बालों में मुझे पहले शाइन स्प्रे लगा लेनी है, जो कि है वेला की ग्लैम मिस्ट पूरे बालों में। फाइन, कॉम कर लेंगे शाइन के लिए। फिर उसके बाद इसमें मैं लगाऊंगा ओसिस की स्प्रे पूरे बालों में, दोनों साइड। ओके, स्प्रे करके कॉम कर लूंगा। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए तो ये आप कर लें तो ज्यादा बेटर है। मेरा आयरन जो है, लेट मी चेक, तो हमारा जो आयरन मशीन है वो गर्म हो चुका है, उसने बीप दे दी है। जब भी आपको आयरन यूज करना है, इजीली बताता हूं, एक तो साइड है जहां पे कुछ लिखा हुआ रहता है ब्रांड का नेम, दूसरा साइड प्लेन रहता है, राइट। तो हमें जो आयरन है उसको पहले मूव कर लेना है, इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है हाथ को। हम कैसे एक्टिवा में या बाइक में रेस देते हैं, राइट, इस तरीके से। तो इस तरीके से हाथ पहले हमने ऐसे सीधा पकड़ा, आयरन ऐसे करते ना, इसको हमने इस तरीके से पकड़ता था, इसको घुमा लिया। अब यहाँ पे जैसे ही हम आयरन रखेंगे इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, और धीरे धीरे, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे बाहर लेते आना है इसको, बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, बाल अपने आप आ जाएंगे एकदम मक्खन की तरह। और ज़्यादा देर एक ही जगह पे नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्लियर। जैसे ही आपके बाल हो जाते हैं आप इसको इस तरीके से रैप कर लेंगे, उसी तरीके से रैप कर लेंगे, एंड फिर 10 सेकेंड तक रखना है, एंड देन आप निकाल सकते हैं ऐसे। देखिए कैसा लगा ये कर्ल। अगर आपको और लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, इसको हम पकड़ेंगे, मेरा एंड्स रह गया, मैंने किया नहीं है, इसमें स्प्रे कर देंगे, थोड़ा वेट करेंगे और फिर इसको हम छोड़ देंगे। देखिए ये एक्चुअली सेक्शन बड़ा होने में थोड़े चांसेस हो जाते हैं आपके सही से ना होने के, तो मैं इस सेक्शन को लूंगा दोबारा से, ध्यान से देखिएगा, इसको घुमाया, धीरे धीरे हमें बाहर की तरफ लेके आना है आयरन को, 90 डिग्री पे मूव करना है, एक ही जगह पे नहीं रखना है बार बार। इस बार मैंने एंड्स को भी पकड़ा है अच्छे से। कई बार क्या होता है, जब आप आराम से लेके आ रहे हो ना, अचानक से बाल ऐसे स्लिपरी हो जाते हैं कि बाल छूट जाते हैं, तो बाल छूटने नहीं चाहिए कभी भी। यहाँ पे देखिएगा 10 सेकंड तक रखते हैं, अगर उससे पहले भी निकाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये सिर्फ डमी पे होता है ऐसा। जो रियल हेयर है उसमें आपको रैप नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं आयरन के ऊपर रैप करके लेके जाता हूं वैसा नहीं करना पड़ेगा। दोबारा से बता रहा हूं एक बार, सॉरी, बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल सॉफ्टली, ये जो रैप कर रहा हूं ना मैं इस तरीके से, जब आप रियल हेयर पे बालों पे काम करते हो तो आपको रैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आ जाएगा। यस, अभी वेट करूंगा थोड़ा एंड देन उसके बाद इसको खोल दूंगा इस तरीके से। देखिए मेरा जो कर्ल्स हैं वो आ चुका है उसी तरीके से, और फिर इसमें लगा दूंगा मैं स्प्रे। थोड़ा वेट कर लेंगे, जैसे ही स्प्रे सूख जाता है और इसको हम खोल देंगे। सी, देखिए ये हैं हमारे आयरन कर्ल्स कैसे किए जाते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारे में करते हैं, जितने पतले छोटे सेक्शन लोगे आयरन वाले में वो भी अच्छा है, बड़े सेक्शन भी हो जाते हैं, बट डमी पे थोड़ा मुश्किल आती है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तब छोटे सेक्शन लो ज़्यादा बेटर है। मैं थोड़ी स्प्रे कर रहा हूँ, कॉम कर रहा हूँ अच्छे से, बालों को रख रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ ऐसे 90 डिग्री पे ही बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, बिल्कुल सॉफ्टली, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है एक ही जगह पे। जैसे ही मैं पूरा सेक्शन कर लेता हूँ तो बालों को इस तरीके से हम रैप कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है? गॉट इट? फिर इसको ऐसे बिल्कुल सॉफ्टली निकाल लेना है। ओके, अभी एकदम गरम गरम है कर्ल्स, इसको पकड़ लेंगे हम और फिर इसमें लगा देंगे स्प्रे, हेयर स्प्रे। जैसे ही हेयर स्प्रे लग जाता है फिर उसको खोलेंगे। सी कितना फिनिशिंग आता है अगर आप आयरन कर्ल्स करते हो। मैंने कल टोंग कर्ल्स भी दिखाए थे, आज आयरन कर्ल्स हैं। अब बताइएगा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो, इससे मेरा भी हौसला बढ़ जाता है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है। ज़रूरी है, पता है? अभी ये सेक्शन मैं कॉम करूँगा, अगर आपको बाउंस चाहिए तो इस तरीके से हम पहले बैक कॉम कर लेंगे, उस पे स्प्रे कर देंगे बाउंस के लिए। ऊपर से जो बाल हैं उसको हम, जो बैक कॉमिंग दिख रहा है उसको खोल लेंगे, निकाल देंगे। बाकी के बालों पे पहले लगाएंगे शाइन स्प्रे। ओके, जैसे ही शाइन स्प्रे लग जाती है उसके बाद हम यूज करेंगे हेयर स्प्रे दोनों साइड। दैट्स इट, कॉम कर लूंगा बालों को, कॉम कर लूंगा। मेरा जो राइट वे है वही बता रहा हूं, आप इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैंने फिर से आयरन को पकड़ा, घुमा लिया, नीचे रखा यहां पे ही, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ, और 90 डिग्री पे इसको बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ। ध्यान रखिएगा बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको बाहर लेके आना है बालों को आयरन के अंदर से, ताकि हर एक बाल पे प्रॉपर हीट लगे और एक जगह पे रहे नहीं। अगर आपकी आयरन एक जगह पे टिकी रहेगी तो बाल जलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मैं यहाँ पर अभी इसको इस तरीके से हम लोग
यहाँ तक मैंने कर्ल्स किया था, स्टार्ट किया था, यहाँ तक हम रैप करेंगे डमी हेयर को। अदरवाइज अगर आपने जैसे ही बाहर निकाला तो सारे कर्ल्स आपके हो जाएंगे रियल हेयर पे। आप ट्राई करके देखो और फिर मुझे मैसेज करके बताना। मैं खोल रहा हूँ, बिल्कुल सॉफ्टली खोल रहा हूँ। ओके, अभी ये जो कर्ल्स है इसको पकड़ूंगा लॉन्ग लास्टिंग के लिए। अगर आपको मस्त वाला कर्ल्स हो गया है और उसके बाद आपको इसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है कि ये ज़्यादा देर टिके, तो हम हेयर स्प्रे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और आपको बताऊँ, इसका जो मैंने बनाया है इसका रोज़ भी बहुत अच्छा बनेगा। रोज़ पैलेट यहाँ पे अगर मैं रोज़ बनाता हूँ इस तरीके से, तो रोज़ भी बहुत अच्छा बनेगा इसका। यही कर्ल्स से ही रोज़ बनता है, आपको पता है ना। ये एकदम ऐसा हो गया है, देखिए एकदम परफेक्ट स्टेट आयरन कर्ल्स। नेक्स्ट सेक्शन, मैं नीचे वाले बाल स्ट्रेट रखा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जो हम बाल कर रहे हैं वो कैसे दिखते हैं। पहले शाइन स्प्रे कॉम कर लेंगे हाथ से या स्प्रेड कर लेंगे, फिर हेयर स्प्रे, इनको अच्छे से। हेयर स्प्रे करने के बाद कॉम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो बाल हैं वो चिपक सकते हैं हेयर स्प्रे लगाने के बाद। यहाँ पे रखा मैंने आयरन को, उसी तरीके से 90 डिग्री पे पुल करना शुरू किया, बिल्कुल सॉफ्टली, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, एकदम सॉफ्टली बाहर लेके आना है आयरन को उसी तरीके से, देखिए। और ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं, ओके, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको मूव करते जाना है बालों को उसी तरीके से। जैसे ही हो जाते हैं देन इसको हम रैप कर देंगे अराउंड द आयरन मशीन। तो क्या होगा, हमारा जो परफेक्ट वेव पैटर्न है, कर्ल्स हैं, वो परफेक्ट आ जाएंगे। ओके, उसी तरीके से वेट किया मैंने, फिर उसको खोलना शुरू कर दिया। ये हैं आयरन कर्ल्स। जैसे ही कर्ल्स होते हैं इसको पकड़ लो और इसमें स्प्रे लगा दो अंदर की तरफ, वेट करो। वेट किया एंड फिर उसके बाद इसको खोल दिया। कैसा लगा आज के हमारे आयरन कर्ल्स, देख के मजा आया आप लोगों को, राइट? तो ये है हमारे आयरन कर्ल्स, जो कि हमारा आज का सेकंड वीडियो था। तो ये था हमारा आज का सेकंड जो कि कर्ल्स सिखाने वाला था, आयरन कर्ल्स। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं। बहुत इजी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सॉफ्टली आपको हैंड मूवमेंट है वो समझ में आ जाए तो आपको सब आ जाता है। एक बार आप करना शुरू कर दोगे तो आप कैसे भी हैंड मूवमेंट करो, आपका आराम से जो कर्ल्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बता दूँ कि हम पिछले 13 दिनों से हेयर स्टाइलिंग के कोर्सेज शुरू किए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें मैं पूरे हेयर स्टाइलिंग क्लासेस सिखा रहा हूँ। डे 1 से लेकर आज डे 13 है। ऐसे ही मैं हेयर डू भी सिखाने वाला हूँ, सॉफ्ट बन भी सिखाने वाला हूँ, रशियन हेयर स्टाइल भी सिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों की, सब लोगों की हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए, आपको सिर्फ कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सबके साथ, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे कि ये कोर्स है यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन का, हम लोग सिखाते रहते हैं और प्लान करते रहते हैं कि आप लोगों को भी अगर सीखना है पेड कोर्स तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको ज़रूर फॉलो करें। इस पर मैं काफ़ी सारी टिप्स ऐड करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, जिस पर बताता रहता हूँ नए कोर्सेज के बारे में, न्यू टिप्स के बारे में, न्यू फैशन क्या चल रहा है, अभी कौन सी क्लासेस चल रही है, बहुत सब कुछ उस पर आता रहता है। तो आप जाके इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा बीच वेव कर्ल्स, वो भी आपको सिखाऊंगा जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।